हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप CGPSC के लिए फाइल ऑब्जेक्शन कैसे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, यानी कि आप दावा आपत्ति कैसे अपील कर सकते हैं CGPSC के लिए। तो दोस्तों, इस साल से आपको ये सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है CGPSC के तरफ से। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा कि आपको ऑब्जेक्शन के लिए कैसे ऑनलाइन अपील करना है, यानी कि दावा आपत्ति के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो क्वेश्चन है वो गलत टाइप हुआ होगा, या जो उसमें ऑप्शन मिला होगा वो टाइप हुआ होगा, या जो आंसर आया होगा वो गलत आया होगा, तो आप इसके लिए दावा आपत्ति फाइल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका प्रोसेस अब बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर देना है। जैसे ही आप अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, उसके बाद आपको इसमें टाइप कर देना है CGPSC, ठीक है। उसके बाद आपको एंटर दबा देना है। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे, आपको जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन सेक्शन में, ठीक है। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सेक्शन में चले जाएंगे, आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आप देख सकते हैं स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2019 सेकेंड नंबर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज ओपन होने के बाद आपको जरा सा स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद देखिए सबसे लास्ट यानी कि फिफ्थ नंबर में क्लिक हियर टू फाइल ऑनलाइन ऑब्जेक्शन फॉर स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2019, ठीक है। आपको इस पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपसे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा, जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करते टाइम यूज किया होगा, है ना, वही आपको यूजर नेम और पासवर्ड को इंटर करना है इसमें दोबारा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अभी सिंपली यूजर नेम को इंटर कर देता हूं। यूजर नेम इंटर करने के बाद आपको अपना पासवर्ड को इंटर करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों ही इंटर कर दिया। अब मैं सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, इसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ने को दिया जाता है, ठीक है ना, कि इसमें आपको कैसा कैसा आपको पूरा स्टेप बताया गया है कि आपको क्या क्या करना है इसके लिए, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, अब मैं डायरेक्ट इसको प्रोसेस कर लेता हूं। प्रोसेस होने के बाद आपको ऑब्जेक्शन फाइल करने का आपको होम पेज देखने को मिल जाएगा, जिसके राइट साइड में आपको आपका नाम शो होता दिखाई देगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट सेट। तो आपको इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, ABCD। तो आपको जो भी PSC में सेट मिला, आपको उसको क्लिक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को जैसे D मिला है, तो मैं इसको D पे सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही आप सेट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो सेट आपके सामने आ जाएगा। जिस पैटर्न में आपने एग्जाम दिलाया था, उसी पैटर्न में क्वेश्चन आपके सामने अपीयर हो जाएगा। जैसे कि डी सेट का जैसे क्वेश्चन था, वैसे ही अपीयर होगा, ठीक है ना, हैज इट इज। तो सबसे पहले आपको जनरल स्टडीज का 100 क्वेश्चन मिलेगा और लास्ट में आपको मिल जाएगा आपके एप्टीट्यूड का, यह मिल जाएगा। जैसे आपकी मैं आपको दिखा रहा हूं, रुकिए, ये देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट का आपको पहला क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो पहले GS का आएगा, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट का आएगा, ठीक है ना। तो पहले एग्जाम का पहला दिया है, उसके बाद 100 क्वेश्चन के बाद दूसरे एग्जाम का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल, मेरे को इस पे ऑब्जेक्शन लगाना है, क्वेश्चन नंबर 2 पे मेरे को ऑब्जेक्शन लगाना है। तो देखिए यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाता है राइज और स्लैश करके व्यू ऑब्जेक्शन, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये खुल गया हमारा ऑब्जेक्शन फाइल करने का फॉर्म, कुछ इस प्रकार का हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना, ओपन होने के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्शन टाइप। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, हमको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहला हमको मिल जाता है इनकरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि जो हम क्वेश्चन में राइज कर रहे हैं कंप्लेन, वो क्वेश्चन इनकरेक्ट था। सेकेंड में आपको दिया गया है क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस। तीसरे नंबर में आपको मिल जाता है ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट, यानी कि जो भी ऑप्शन आपको दिया गया था ABCD वो सारा गलत था। चौथे में आपको मिल जाता है मल्टीपल करेक्ट आंसर, यानी कि उसमें एक से ज्यादा करेक्ट आंसर था। अब हम आ जाते हैं पांचवे में। तो पांचवे में हमको देखने को मिल जाता है इनकरेक्ट की, यानी कि जो PSC के द्वारा जो निकाला जाता है आंसर की, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि वो गलत है। अब हम बात करते हैं लास्ट और छठवें नंबर का ऑब्जेक्शन टाइप, जो कि है ट्रांसलेशन एरर, ठीक है। तो इनमें से आपको जो भी लगे, आपको उसको क्लिक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें कर दिया हूं इनकरेक्ट क्वेश्चन। अब आपको इसमें लिखा हुआ सेकंड में मिल जाता है प्लीज इंटर रीजन फॉर ऑब्जेक्शन। मैक्सिमम करेक्टर आपको यूज करना है 500, है ना। तो आपको 500 करेक्टर के अंदर आपको इसमें अच्छे से
रीजन को समझा देना है। अब आप उसको हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन में आपको मिल जाता है रेफरेंस का। तो जैसे ही हम सेलेक्ट रेफरेंस पर क्लिक करते हैं, आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहला है आपको बुक, न्यूज़पेपर और मैगजीन, दूसरा में आपको मिल जाता है ऑथेंटिकेट ऑफिशियल वेबसाइट लिंक, ठीक है ना। तो आपको जिसका भी रेफरेंस देना है, जिससे भी आपने फाइंड आउट किया उसका क्वेश्चन का आंसर जो भी है ना उसके बारे में, तो आप उसका रेफरेंस दे दीजिएगा। अगर आप बुक से देखे हैं, न्यूज़पेपर से देखे हैं, तो आप पहला नंबर डाल दीजिए। या अगर आपको किसी ऑफिशियल वेबसाइट लिंक से देखे हो तो आप उसका डाल दीजिए। तो मैं सबसे पहला वाला बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन का डाल देता हूँ। अब इसके बाद हम बात करते हैं बुक टाइटल / वेबसाइट लिंक। तो दोस्तों इसमें आपको डालना है जो भी आपने बुक या वेबसाइट से आइडेंटिफाई किया है कि क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, जो भी आपको लगा होगा आपको वो बुक का आपको टाइटल, जो भी बुक का नाम है उसका टाइटल, या अगर आपने वेबसाइट से किया है तो आपको वेबसाइट का लिंक इसमें डालना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको जो भी बुक है या वेबसाइट लिंक है उसका ऑथर नेम डालना है, ठीक है ना, कि उसको लिखा कौन है ना, आपको वो भी डालना है, ठीक है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे में आपसे पूछा जाएगा एडिशन, कि वो कौन से एडिशन का बुक है, तो आपको उसमें एडिशन भी मेंशन करना है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे में आपको देखने को मिल जाता है रेफरेंस पेज काउंट, तो इसमें आपको डालना है जो भी आपने रेफरेंस बुक सेलेक्ट किया है उसका आपको पेज नंबर डालना है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी टॉपिक है वो पेज नंबर 115 से 120 में आता है, तो आपको इसमें 115 आपको ऐसे डैश देना है और 120 ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो आपका जो ऑब्जेक्शन फाइल करने का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया। आपको ये सारा डिटेल को अच्छे से प्रॉपर वे में भरना है, ठीक है। एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, जब भी आप CGPSC के लिए ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं तो आप हमेशा रेफरेंस बुक में आपको स्टैंडर्ड बुक का ही आपको मेंशन करना है, ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड बुक हो और उसका पब्लिशर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसी किसी का भी बुक को उठाकर कर लिया तो वो मान्य नहीं होता, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप जब भी यूज करें रेफरेंस के लिए स्टैंडर्ड बुक का ही प्रयोग करें, यूज करें, ठीक है। इसके बाद सिंपली आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो ऑब्जेक्शन है वो फाइल हो जाएगा, आपका कंप्लेन राइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा दावा आपत्ति यानी कि ऑब्जेक्शन फाइल करने का ऑनलाइन प्रोसेस। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही था। आप बताइएगा जरूर कि आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियोज रोजाना लाते रहता हूं जो आपके काम का चीज होता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। We'll be right back.